The Voice of Indian. Anybody can sing, ma'am. Ma'am, आज भी आप सभी का स्वागत करती हूँ. कैसे हो आप सब? केम छो? कैसे आहत? किसे कहते हैं अनेकता में एकता? क्या बात है! कहते हैं गायक कितना भी सुरीला क्यों ना हो, लेकिन वो दर्शकों के दाद के बिना अधूरा है. आप इस कार्यक्रम की शान हो और आपकी शान में ये चार लाइनें प्रस्तुत करती हूँ. किस कदर शुक्रिया अदा करूँ उस खुदा का, अल्फाज नहीं मिलते. किस कदर शुक्रिया अदा करूँ उस खुदा का, अल्फाज नहीं मिलते. ये पल इतने खूबसूरत ना होते जो आप जैसे कदरदान ना मिलते. थैंक यू सो मच. ऐसे ही दाद हमारे सिंगरों को भी मिले ऐसी मैं आशा करती हूँ. आज के इस कार्यक्रम की दो खास बातें मैं बताना चाहती हूँ. पहली बात, द वॉइस ऑफ इंडियन में गाने वाले कुछ गायक और गायिकाएं नए हैं, और दूसरी बात, एक ही मंच पर आपको तीन पीढ़ियों का संगम आज देखने को मिलेगा. वो कैसे, वो धीरे धीरे आपको पता चलेगा. चलिए शुरू करते हैं. किसी भी अच्छे कामों की शुरुआत हमेशा गणेश जी की वंदना करके की जाती है, तो मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी कविता जी को कि वो गणेश जी की वंदना प्रस्तुत करें. प्रकाश सर और उमेश सर हैं, उन्होंने मुझे बहुत सिखाया है, मेरे गायन को सुधारा है, सवारा है. तो मैं आज शिक्षा दिवस में मैं अपनी तरफ से उनको हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ, और मेरे सारे जो ग्रुप के मेंबर्स हैं उनकी तरफ से भी मैं हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ उमेश सर को और प्रकाश सर को. और मैं छोटी भेंट लाई हूँ उनके लिए. मैं चाहती हूँ कि सर आप दोनों आइए यहाँ पे, प्लीज सर. क्या बात है,
बहुत सुरीली शुरुआत और सभी को शिक्षक दिन की हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि किसी न किसी तरीके से सभी लोग हमको कुछ न कुछ सिखाते हैं, तो सभी लोग हमारे गुरु हुए, तो सभी को शुभकामनाएं। गणेश जी और गुरुओं का आशीर्वाद आप सभी का साथ लेकर शुरू करते हैं द हिट्स ऑफ अलका याग्निक, उदित नारायण, कविता कृष्णमूर्ति और कुमार सानू जी की। आज की हमारी पहली पेशकश जिसे गाया है अलका याग्निक जी ने, जो भारतीय सिनेमा की एक प्रसिद्ध पार्श्व गायिका है। वे हिंदी सिनेमा में 3 दशकों तक अपनी गायकी के लिए विख्यात है। वे हिंदी सिनेमा में सबसे ज्यादा गाने रिकॉर्ड करने वाली 5वीं पार्श्व गायिका है। उन्होंने अब तक 1114 फिल्मों में कुल 2446 हिंदी गाने गाए हैं। साजन फिल्म का ये गीत तू शायर है मैं तेरी शायरी पेश करने आ रही है हमारी गायिका गीता जी। जोरदार तालियों से उनका स्वागत किया जाए। Thank you.
क्या बात है गीता जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चंद अल्फाज में बयां कर देती है हाले दिल, चंद अल्फाज में बयां कर देती है हाले दिल, ये शायरी भी चीज बड़े काम की है। अगला जो गाना है उसे गाया है कुमार सानू जी ने, जिनका पूरा नाम केदारनाथ भट्टाचार्य है। हिंदी फिल्मों के एक प्रसिद्ध गायक जिन्होंने 18,000 गीत कुल 22 भाषाओं में गाए हैं। एक ही दिन में 28 गाने गाकर वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवा चुके हैं। उनकी ही 1942 और लव स्टोरी फिल्म का ये गीत लेकर हमारे सामने हाजिर हो चुके हैं अजीत देवधर जी। Oh,